सेम ऐसा ही है। और हम तो यूथ को, हम चाहेंगे सारे यूथ का व्यक्तित्व तो ऐसा ही रहे, तो यूथ अगर ऐसे निकल के आएगा तो कोई भी गलत चीज़ नहीं हो पाएगी। अब लखवीर सिंह लखा जी आ रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम अब दिन बहुत कम है और कार्यक्रम 13 नवंबर का है त्रिवेणीनाथ मंदिर, बाबा त्रिवेणीनाथ मंदिर में। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा लोगों से कि सब, आप जितने भी लोग देख रहे हैं सब आमंत्रित हैं और बेहिचक होके वहाँ पे आएँ। पास इसके बनाए गए हैं, पास आपको बता दिए जाएंगे 4 दिन 5 दिन 8 दिन पहले दिवाली के बाद पास बता दिए जाएंगे कहाँ कहाँ पास मिलेंगे आपको। और पास नहीं भी होंगे, नहीं भी मिल पाए तो भी आपकी व्यवस्था की जाएगी, आप लोग पहुँचे। और बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये, 9वीं बार यहाँ पे बरेली में हो रहा है और ये सभी का जुनून ही है और हमारे सत्यम भाई का, क्योंकि शुरू में इन्होंने जिस हिसाब से जुनून दिखाया और मेरे ख्याल से कम ही शहर होंगे जिसमें इतने बड़े लेवल का जागरण होता है, लखवीर सिंह लखा इतनी बार पहुंचे होंगे, कम ही शहर होगा। हम लोग सौभाग्य भाग्यशाली हैं कि हमारे शहर में लखवीर सिंह लखा जी 9वीं बार आ रहे हैं, 9वीं बार आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि सब लोग 13 तारीख को वहाँ पहुँचे, सभी को इनविटेशन है और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। और शांतिपूर्ण कार्यक्रम होता है, हर साल होता आया, हर बार होता है, इस बार भी होगा। बाकी हमारे बीच में कमल जी हैं, कमल जी भी कुछ बोलेंगे। बिल्कुल, आपसे पहली बार परिचय हो रहा है कमल जी। तो जी मैं बरेली में लखवीर सिंह लखा जी अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं, हम सबके प्रिय हैं, हमारे नहीं आप सबके भी प्रिय हैं। वो बरेली में बाबा त्रिवेणीनाथ मंदिर पे आ रहे हैं, शाम 8 बजे से जागरण चालू होगा। पहले तो मैं सभी आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी इनवाइट हैं, आप लोग आएं और जागरण को सुने। और दूसरा, इसमें हमारे सत्यम जी हैं, पंडित रामकृपाल मिश्रा जी हैं, रजनीश जी हैं, कमल जी हैं और हमारे भाई लोग बैठे हैं, सभी का बहुत सहयोग है और उन्हीं के सहयोग से ये हो रहा है और आप सभी के सहयोग से भी हो रहा है। इसमें अगर उसके अलावा भी आप में से कोई सहयोग करना चाहे तो वो 8889855993 नंबर पे फोन कर संपर्क कर सकता है और सहयोग कर सकता है। दूसरा, ये जागरण का, हर जागरण का एक उद्देश्य होता है, इस जागरण का ये उद्देश्य है कि बरेली में कोई भी बड़ी घटना, दुर्घटना न घटे, हम लोग का यही सोच है। इस सोच से लेके सभी का इसमें सहयोग है और सभी के सहयोग से ये जागरण संपन्न होगा। अब इसमें मैं चाहूंगा कि हमारे लाइव चल रहा है सत्यम भाई जी इसमें दो शब्द बोले। भाई सुनील बता रहे हैं तो कोई भी घटना ना घटे, बरेली नगरी जैसी शांतिप्रिय नगरी थी वैसी बनी रहे, ये माँ दुर्गा के चरणों में अरदास करने के लिए हमारे विश्व प्रसिद्ध, देश विदेश में प्रसिद्ध आदरणीय श्री लखवीर सिंह लखा जी भजन की दुनिया में जिनका नाम है, जिनको सुनने के लिए पूरी दुनिया, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि विदेशों में उनके साथ रहता हूँ और मैं उनका शिष्य हूँ। हर जगह जहाँ जाते हैं एक तरीके से चुंबकीय उनमें शक्ति है, भीड़ अपने आप में ले आती है। इन्होंने बात कही कि कोई घटना ना घटे उसकी अरदास करने के लिए बरेली में वो आ रहे हैं, तब जयकारे बाबा भोलेनाथ के पूजे के बाबा त्रिवेणीनाथ मंदिर में, माँ दुर्गा के, बाबा श्याम के, तो अपने आप ही बरेली नगरी शांत रहे, ये हमारे सुनील भाई कहना था। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में 13 नवंबर को बाबा त्रिवेणीनाथ मंदिर श्री कृष्ण कथा स्थल में, सब लोग आए। इसका कुछ कार्ड का एग्जाम होता है जो समय से पहले लिख स्थान बता दिया जाएगा जहाँ से वितरित होंगे, निःशुल्क कार्ड है, कोई इसका वो नहीं, कोई अगर पैसा ले रहा भी तो भैया हम लोग शिकायत आ जाएगी, सारे निःशुल्क बांटे जाते हैं और समय से अपने स्थान को ग्रहण कर लिया, सब लोग साधारण।